हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। मैं परमानंद और आप देख रहे हैं परमानंद ब्लॉग। आज की ब्लॉग्स काफी इंटरेस्टिंग होगी। इंटरेस्टिंग होने की खास वजह, आज हम पुरानी गाड़ी का डील नहीं दे रहे हैं, आज न्यू गाड़ी का डील दे रहे हैं। जो बहुत ऐसे व्यूवर्स है पुरानी गाड़ी में बोर हो गए हैं, भैया बहुत महंगा आता है, बहुत रेट है, तो उसके लिए भी एक वीडियो ला रहे हैं जो न्यू गाड़ी दिखाएंगे और न्यू गाड़ी का सारे डिटेल्स देंगे यहाँ के सेल्समैन प्रशांत जी, जो प्रेमसंस के एम्प्लॉय है। तो आइए प्रशांत जी से मिलते हैं। कैसे हैं? बढ़िया, सब बढ़िया। चलिए अब जानते हैं डिटेल्स क्या है गाड़ी की, सारे डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंदर भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको डिस्प्ले में नंबर दिया, उस नंबर पे आप कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट ये इन्फॉर्मेशन लेने से पहले यहाँ की लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। तो ये प्रेमसंस है, आप डीलर सर्च कर सकते हैं नेट में, गूगल में आपके सारे भी आपको जगह तक पहुँच सकते हैं। बगल में आपका राम मंदिर है और उसी के जस्ट बगल में सीएम आवास है। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए और देखिए क्या लुक वाइज है, क्या डिटेल्स है, वो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ के सेल्समैन से मिलते हैं, क्या गाड़ी का फीचर्स है वो सारा डिटेल्स जानते हैं इनसे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत आनंद है और मैं आपको डिजायर जडक्साई प्लस का डेमो दे रहा हूँ। अभी आप सामने देख पा रहे हैं मिडनाइट कलर की एक ब्लैक बहुत चमचमाती हुई गाड़ी दिख रही है आपके सामने। और इसमें सबसे पहले आप देखते होंगे कि एलईडी लाइट आपको मिल जाता है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दोनों ही, और साथ में आपको यहाँ पे फॉग लाइट आ जाता है विद ग्रिल, काफी प्यारा लग रहा है इसका। आप इसके साथ आप आएंगे फ्रंट लुक के बाद तो आपको साइड लुक में और ORVM आ जाते हैं, उसी में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। उसके बाद आप शुरू करते हैं तो चारों पावर विंडो हमें यहाँ दिख रहे हैं और सेंट्रल लॉकिंग भी आपको यहीं पे मिल जा रहा है। ORVM का फोल्डेबल बटन, ORVM लेफ्ट राइट सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। स्टेयरिंग पे आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल रहा है, यहाँ देख पा रहे होंगे, साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, हाँ वॉइस कमांड है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, साथ में क्रूज कंट्रोल आता है। क्रूज कंट्रोल आप जानना चाहेंगे कि होता क्या चीज है? हाँ, ये तो जानना बहुत जरूरी है, बहुत ऐसे नए व्यूअर्स समझ पाते हैं क्रूज कंट्रोल होता क्या है। क्रूज कंट्रोल वो होता है कि जब हम गाड़ी हाईवे में चला रहे हों, हाँ, तो हाईवे में हमारे पैर में काफी ज्यादा थकान फील होता है या फिर हम लोग माइलेज ज्यादा चाहते हैं कि हाईवे में चल रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कार ज्यादा माइलेज दे, उसके लिए हम एक स्पीड लिमिट को फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, वो फिक्स होगा कैसे? जब हम गियर लेवल जो हमारा फोर्थ गियर में होना चाहिए, साथ में स्पीड हमारा 40 से अबव होना चाहिए। अच्छा, इस कंडीशन पे क्या मतलब होगा, इकोनॉमिक चाल पे चलना है तो उसके लिए इकोनॉमिक वैल्यू अच्छा मिलता है। तो ये क्रूज बटन को एक्टिवेट करते हैं यहाँ से, इस बटन को दबा के, इसको दबा के एक्टिवेट करेंगे, प्लस ये डाउन बटन है इसको शिफ्ट करेंगे, जैसे ही शिफ्ट करेंगे क्रूज एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद मुझे बस रेस पेडल से पैर हटा लेना है, ये फिर क्रूज मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। क्लच ये सब कुछ नहीं दबाना है? कुछ नहीं दबाना है। अच्छा, फुल्ली हम फ्री हो गए, एक स्पीड सेट कर दिया, उस स्पीड को ये कंटिन्यू गाड़ी मेंटेन रखेगी, हमें बस स्टीयरिंग कंट्रोल करके रखना है। उसके बाद हमें बस मान लीजिए कोई ट्रैफिक में जाम आ गया या रोकना पड़ रहा है तो हम क्रूज को डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे कैंसिल बटन पर दबा सकते हैं या फिर ब्रेक या क्लच कुछ भी दबाएंगे तो क्रूज कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल में हम रखे उसके बाद सडनली कोई कार आ जाए या कोई इंस्टेंटली कोई चीज आ जाए तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हम सीधा ब्रेक दबाएंगे, ब्रेक कंट्रोल से ब्रेक दबाएंगे, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, फिर नॉर्मल मोड में आ जाएगा, फिर नॉर्मली हमें रेस एक्टिवेट करना पड़ेगा क्रूज कंट्रोल। जी बिल्कुल, फिर से दोबारा से क्रूज कंट्रोल। ये फीचर्स तो कस्टमर विजिट करेंगे तो वो डिटेल सारी चीज मिल जाएगी, लेकिन अभी डेमो के तौर पे आप दिखा दीजिए कि ये क्या-क्या फीचर्स है इसमें। इसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप फिक्सिंग कंट्रोल, क्रूज बटन वगैरह मिल जाते हैं हमें, साथ में MID में आप देख पा रहे हैं कि ये गेट हमारा खुला हुआ था, ये हमें इंटरनली शो हो पा रहा है कि गेट हमारा ये खुला हुआ है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना गाड़ी चलाते वक्त कोई, हाँ, हमें पता नहीं चलता, पता नहीं चल पाता कि बच्चे हैं, बच्चों ने पीछे गेट खोल दिया, तो वो हमें MID पे शो हो जाएगा कि बच्चे ने गेट खोल दिया है, तो हम उसे बता सकते हैं या बंद करवा सकते हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिल जाता है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा टच स्क्रीन है। इसमें आपको कैमरा का भी काम, आपको कैमरा का भी डिस्प्ले, आपको रेयर कैमरा का डिस्प्ले आपको यही मिल जाएगा, साथ में ऑटोमेटिक AC आ जाता है जो कि ऑटो क्लाइमेट आप कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे को 18 डिग्री पे सेट कर दिया, उसके बाद AC खुद ब खुद उस 18 डिग्री के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा डे नाइट। ORVM ये पूछना चाह रहे हैं तो ये एंड्रॉइड है ना? ये हाँ, एंड्रॉइड और एप्पल कल्फ्री दोनों के साथ आते हैं। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ डे नाइट ORVM मिल जाता है, जिससे आप स्विच करके नाइट मोड एक्टिवेट कर सकते हैं,
तो डे नाइट का क्या बेनिफिट होगा आपको कि जब पीछे से कोई गाड़ी की लाइट आएगी हाँ। तो वो हमें आंखों पे चुभेगा नहीं। अच्छा, जिससे कि हम बहुत आसानी से गाड़ी चला सकते हैं, रात में एक्सीडेंट होने का डर कम होता है। चलिए ठीक है। देखिए, गाड़ी लेते हैं तो सारे डिटेल्स तो मिलती है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे रहते हैं जो व्यूअर्स नहीं समझ पाते, जो नहीं समझ पाते। चलिए बारीकी से समझ रहे हैं। सेकंड रो में आप आते हैं तो आपको रियर में एसी मिल जाता है। अच्छा, एसी भी देख सकते हैं। एसी है, मोबाइल होल्डर है विद मोबाइल चार्जिंग का सॉकेट दिया हुआ है। चलिए, ये वाला पॉइंट ठीक है। इसे आप देखिए, दिखाते दिखाते में ये बता दीजिए, इसमें सीट कवर जो लगा है वो कितने की कॉस्ट की आती है? ये डिपेंड करता है आप कितने वाला सेलेक्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो लगी हुई है ये आपका अप्रोक्स 9000 रुपीज का आता है। अच्छा ठीक है। आप हमारे यहाँ पे अगर कॉम्बो किट लेते हैं तो आपको 7-8000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ, जेन्युइन एक्सेसरीज, जेन्युइन एक्सेसरीज मारुति का जेन्युइन एक्सेसरीज आता है विद वारंटी के साथ। आप आता है इसमें साथ में अभी कुछ सामान रखे हुए हैं जैसे मैं गाड़ी के साथ ही कॉम्बो किट में मिलेगा। ये 360 कैमरा है या नहीं? ये रियर कैमरा है। अच्छा, इसमें डिजायर वेरियंट में रियर कैमरा आता है टॉप मॉडल में। देखिए, ये आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाता है। हाँ, आता है डुअल टोन डायमंड कट, 15 इंच का आपको रिम साइज होता है और 185-65। अच्छा, आपसे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे व्यूअर्स बहुत ऐसे जानना चाहते हैं कि अलॉयल और ये नॉर्मल रिम में क्या डिफरेंस है? न्यू गाड़ी ले रहे हैं, अलॉयल नहीं लगाएंगे जी। बहुत ऐसे व्यूअर्स हैं जी जिसका बजट भी कम है तो वो बोल रहे हैं भैया अलॉयल चाहते हैं कुछ लोग ऐसा। पर दो चीज है, सबसे पहला कि ये एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों। सबसे पहला चीज, ये खूबसूरत लगती है हमारी गाड़ी अलॉय व्हील के साथ। दूसरा चीज एडवांटेज ये है कि अलॉय व्हील रहने से वो बैंड होने का डर कम रहता है। बैंड होने से क्या होता है कि माइलेज कंट्रोल करता है, बैलेंसिंग कंट्रोल होता है। दूसरा चीज माइलेज इनहेंस हो जाता है उसकी वजह से, तो जो कि आपके फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगा तो आपके पॉकेट खर्च कम होगा। चलिए, लगभग तो हमने सारी गाड़ी का रिव्यू ले लिए, अब हम बात करते हैं कि गाड़ी का प्राइस क्या है। प्राइस बहुत मैटर करता है, बहुत ऐसे होते हैं ना न्यू गाड़ी एफोर्ड नहीं कर पाते, पुराना गाड़ी भी ले लेते हैं। तो पुराना गाड़ी के लिए डिस्प्ले में नंबर दिया, उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। न्यू गाड़ी आपको लेना है तो उस डिस्प्ले पे नंबर दिया, उस पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ नहीं, इसमें क्या प्रॉफिट है, कितना डिस्काउंट है, वो सारा चीज बता दीजिए जो व्यूअर्स आसानी से ले सके और बेझिझक ले। बिल्कुल, देखिए गाड़ी जो है हमारी, ये जो टॉप मॉडल है ऑन रोड हमारे यहाँ पे 10,26,000 के अप्रोक्स पड़ेगा। ठीक है, ऑन रोड इस गाड़ी का ऑन रोड कितना पड़ेगा? 10,26,000 अप्रोक्स। 10,26,000 yes. मतलब 10,26,000 पड़ेगा इस गाड़ी का। और इसमें डाउन पेमेंट कितना पड़ेगा? इसमें आप प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, प्रोफाइल डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ऐसे मैक्सिमम आदमी आते हैं, नॉर्मल जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके लिए चाहिए हमको। ऐसे गवर्नमेंट है तो कभी भी कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए 1,30,000 से लेकर 1,70,000 रुपए के बीच में लोग डाउन पेमेंट करके गाड़ी ले सकते हैं। कम्फर्ट EMI भी है? हाँ, कम्फर्टेबल EMI बहुत ईजिली रहे, बहुत कम EMI में हो जाता है। डिपेंड करता है कि सिविल स्कोर क्या है, सिविल स्कोर पे वो EMI स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है। अब बताइए, ये इसमें डाउन पेमेंट तो कर लेंगे जो भी है, लेकिन इसमें प्रॉफिट क्या है हमारे, डिस्काउंट अभी क्या चल रहा है? डिस्काउंट इसमें कॉम्बो किट में आप जैसे एसेसरीज हमारे यहाँ से लेते हैं, एसेसरीज में डिस्काउंट प्रोडक्ट जो है हमारा मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज, उस पे आपको जैसे किट जो भी पैकेट लेते हैं कॉम्बो पैकेट, उसमें 7,000-8,000 रुपए का आपको हमारे यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, वो सब तो डिस्काउंट आपको जो नंबर दिया उस पर कॉल करके कंफर्म कर ही लेंगे, बाकी जो भी चीज होगा बात करके हम। चलिए, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्रशांत जी दे दिए, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। और हम पुराने गाड़ी का सेल करते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया उस पर कॉल करके पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं। आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि नई गाड़ी लेनी चाहिए पुरानी गाड़ी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो आपको जो कम्फर्ट लगे उसी गाड़ी को आप डिसाइड कीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि पुरानी गाड़ी भी अभी महंगा लग रही है तो अपनी गाड़ी में भी ले सकते हैं। बिल्कुल, दोनों ही ऑप्शन। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, अभी सारी चीज सारी ट्रांसपेरेंसी हो गई है। बिल्कुल, कोई चीज हिडन रह गया नहीं, ट्रांसपेरेंसी है। तो बेझिझक आइए, अगर आप न्यू लेने का प्लान कर रहे हैं तो बेझिझक आइए। और टेक केयर, बाय, जय हिंद, बाय बाय।